नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह एआईसी टैग गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूं वह है फर्म या शॉप का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप करवा सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कई टाइप के होते हैं। किसी भी देश में किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने के पहले जो लीगल कार्रवाइयाँ होती है वह आवश्यक होती है। उसके बाद ही हम लोग बैंक में अकाउंट, जो कि करंट अकाउंट होता है, उसको खुलवा सकते हैं। देन जीएसटी की प्रोसेस में जा सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद ही हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। सिंपल में अगर हम बात कहें तो प्रोप्राइटरशिप, जो कि एक सिंगल ओनिट कराता है, जैसे एक शॉप का रजिस्ट्रेशन जो सिंगल व्यक्ति चला रहा है। लेकिन वहीं पर जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन बिजनेस करते हैं तो उन दोनों को पार्टनरशिप फर्म के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड टाइप की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो ये सब अलग अलग विधि हमारे देश में यूज की जाती है। आगे आप लोगों के लिए पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के बनाकर लेके आऊँगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है शॉप रजिस्ट्रेशन या सिंगल ओनिड प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे आप किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील के पास, तो नेचुरली आप लोगों को उनको पे करना पड़ता है। चाहे आप 2,000 रुपये दें, 3,000 रुपये दें, 10,000 रुपये दें, लेकिन आपको देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी काम तो करने को तैयार है लेकिन वो शुरू के खर्चों को बियर नहीं कर पाता। तो मेरा तात्पर्य है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं कि आप घर में ही बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसी के द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके साथ में आप अपना आधार कार्ड लगा के बैंक में अपना एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। देन उसके बाद आप जीएसटी की प्रोसेस में आराम से जा सकते हैं और उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि कैसे आप एक शॉप या छोटी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर दिल्ली की वेबसाइट के अंदर। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि सामने लिखा है ऑनलाइन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसके अंदर आप देखेंगे नंबर वन पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप कैसे अपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा शॉप और एस्टेब्लिशमेंट सर्च। अगर किसी ने कोई अपनी प्रोप्राइटरशिप या फर्म शॉप बना रखी है इस तरीके से, इस वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है, तो कैसे उसको सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा जो है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड शॉप, जितनी भी हमारे दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड शॉप हैं उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहां पर आपको मिल जाएगा। चलता हूं दोस्तों पहले अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। तो यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष ये पेज आ जाता है, अगला पेज जो कि ये आ गया, जिसका नाम है फॉर्म ए। तो दोस्तों, एक छोटा सा सिंपल फॉर्म भर के आप अपना प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट इसको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप आते हैं, किसी भी नाम से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैंने एक नाम डाला एक्शन। यहाँ पर आपसे पूछता है शॉप रजिस्ट्रेशन कराना है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कराना है, रेजिडेंशियल होटल कराना है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ वर्क वो आपने लेना है, किसी भी तरह का। आप शॉप भी ले सकते हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी ले सकते हो। तो मैं शॉप लेके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो भी आप लोगों का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर आपका दिल्ली आ गया। अपना जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे। यहाँ पर आपको एक लैंडलाइन नंबर, अब कई बार ऐसा होता है लैंडलाइन नंबर नहीं, तो दोस्तों उस समय आप यही कीजिए कि कोई भी
नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, ये जैसा लिखा हुआ है लैंडलाइन नंबर के लिए और स्टार लगा हुआ है, तो कोई भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपका फैक्स नंबर, वेबसाइट नंबर, देन आता है नेम ऑफ एम्प्लायर। एम्प्लायर का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, नेम ऑफ मैनेजर, जो भी आपका मैनेजर है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है सन, डॉटर, वाइफ, जो भी आपने यहाँ पर एम्प्लायर का नाम डाला है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर आपने कर दिया। यहाँ पर जो आपने मैनेजर डाला है उसका फादर नेम, डॉटर नेम, वाइफ नेम, जो भी आपने हैं यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पर आपने क्योंकि यहाँ ऊपर सौंप लिया है तो किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी है, एब्रेसिव है, ऑटो पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, और यहाँ पर कितनी ही तरह के यहाँ पर आपको दे रखा है, किस तरह का काम, पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, जिस तरह का भी आप काम करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉस्मेटिक डाल दिया, एक छोटा सा सिंपल आपने फॉर्म भरा है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये आपसे पूछता डू यू वॉन्ट टू सबमिट द फॉर्म, दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस करने के बाद ओके कर दीजिए। देन एक छोटा सा फॉर्म हो रहा था नंबर ऑफ एम्प्लाई, आपके पास जितने भी एम्प्लाई है वो यहाँ लिख दीजिए, जितनी फीमेल है उतना यहाँ पर लिख दीजिए, यंग पर्सन कितने काम कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एम्प्लाई, आपकी मेंबर जो घर के लोग हैं सदस्य यदि इसमें काम कर रहे हैं तो वो लिख देंगे, उनका नाम और एज लिख देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। देन कहता है मैनेजमेंट के घर से कोई है पर्सन ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, अगर है तो वो यहाँ लेके उसका नाम और एज लिख देंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों इसको जीरो करके छोड़ देंगे। आपने सिंपल सा देखा कि एक छोटी सी प्रोसेस आपने की, और उसके बाद आप जब रजिस्टर कराते हैं दोस्तों तो रजिस्टर बटन दबाते ही आपके सामने एक ये रजिस्ट्रेशन कर देगा आपकी फर्म का, और लगे हाथ आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। मैं रजिस्टर बटन दबा चुका हूँ, अभी ये थोड़ा वेटिंग दिखा रहा है, और आपके सामने एक कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी आई थिंक, ये लीजिए दोस्तों देखो फॉर्म नंबर सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशमेंट, कितना आसान था, आपके पूरी डिटेल यहाँ पर, आपके कंपनी का नाम किस व्यक्ति के नाम से था, एड्रेस, उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट ने अलॉट किया वो, आपके दुकान या जो भी आप कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेते तो वो लिखा आया था, आपने किस तरह का बिजनेस लिया। दोस्तों इसका आप एक प्रिंट आउट लीजिए, अपने पास सेव करके भी रख लीजिए किसी भी फॉर्मेट में, जेपीजी या पीडीएफ में। इसके अलावा आप इसको प्रिंट आप इसका प्रिंट आउट लेके अपनी दुकान में लगा सकते हैं, और यही फॉर्म को लेके जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि जब आप बैंकों में जाते हैं तो वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यही वो सर्टिफिकेट है जिसके बेस में आप अपना करंट अकाउंट खोल लेते हैं। कई बार बैंक आपसे दो सर्टिफिकेट, कोई दो रजिस्ट्रेशन मांग लेता है, तो दोस्तों आज मैंने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक बताया है जिसे कि फॉर्म नंबर सी कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक MSME रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप दोनों के दोनों में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा। इन दोनों को लेकर बैंक में जाइए, अपना करंट अकाउंट खुलवाइए और अपना आराम से बिजनेस कीजिए। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस थी जिसके द्वारा आप अपने दुकान का, अपनी एस्टेब्लिशमेंट का एज ए प्रोपराइटर रजिस्ट्रेशन करा सकती हो, और वो भी जीरो कॉस्ट में। जी हाँ दोस्तों, जीरो कॉस्ट में। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है, और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।